तुम्हें निर्वंशी के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं उनका मुंह देखने के बाद भोजन तो बड़ी बात है, हमें पानी नहीं मिलता। राजा के पैरों से जमीन खिसक गई। लोगों अंदर जाकर के देखा तो 100 रानियां एक जगह बैठी हैं, आंखों से आंसू बह रही हैं, रो रही हैं। राजा ने कहा क्या हुआ, तो 100 रानियां रो करके बोली भगवान हाथियो दंत बिन ज्ञान एक संत बिन कामिनी कंत बिन लागत विहोनी है काया एक वस्त्र बिन और सूरमायो शस्त्र बिन और माया एक पुत्र बिन होती छार छूनी है मंदिर एक दीप बिन बाग एक कूप बिन और प्रजा एक भूप बिन लागत बिहोनी कंठ बिन राग जैसे और ज्ञान बैराग बिन और तैसी राम नाम के बिना देह से सुनी भगवान अगर बाग में कुआ न हो तो वो बाग अच्छा नहीं होता। मंदिर में अगर दीपक न हो तो वो मंदिर मंदिर नहीं होता। हाथ में हथियार न हो तो वो सूरमा नहीं होता। शरीर पर वस्त्र न हो तो शरीर अच्छा नहीं होता। जब माया को भोगवे के लगा लला न हो तो का मतलब की, याद रखना लोगों। रानी रोए गई और रोए के बोली सैया अरे सैया सोनो Oh, no.
یاد رکھنا میرے ہم عمر دوستو جس سمے مہارانیوں نے اتنی باتیں کہیں مہاراج نے گرو وسشٹھ کو بلایا اور گرو وسشٹھ نے پتر یشت یگ کروائی ایک کلش میں جل کو پڑھ پڑھ کے رکھا اور گرو وسشٹھ سے کہا گرودیو یہ پانی تمہاری شسیاؤں کو پلایا جائے گا بھگوان کی کرپا ہو جائے تو گربھوتی ہو جائے گی وہ پانی منڈپ کے نیچے رکھ دو بھیا بھائی رات کو لگی راجا کو پیاس راجا کو نئے والوں کے بھاوے ڈھول بجاتے اور کہوں پانی نہ ملو مہاراج کو تو بھائی گھڑا میں تو پانی لو گٹک 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 پی لو
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संतों ने ब्राह्मणों ने कहा राजन, हाँ स्वामी जी, अपनी रानियों को बुलाओ। रानी हमारी सब बैठी है। बड़ी वाली आ गई? हाँ बड़ी भी आ गई। हाँ ये बैठी। अच्छा पीछे ना। ना। तो ये घड़ा उठाओ, ये लो। और इसमें जो जल है ना, वो सबको थोड़ा थोड़ा आचमन के रूप में दे दो। स्वामी जी हाँ, इस घड़े में तो बूंद पानी भी नहीं। क्या